ये है वाइट टाइगर। एक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और एक यहाँ पर, ये देखो, ओए होए मुंह देखो कितना बड़ा खोलता भाई ये। अभी जैसे हर न्यूज़ चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जैसे आ रखा है, तो ये वही ब्लैक बक है जिनकी बिश्नोई समाज जो है पूजा करता है। ये देखो, ये देखो, अभी फिर से दिखेगा। ये देखो भाई कितने खतरनाक फेस है भाई इसका, एशियाटिक लॉयन का। ये है इंडियन एलिफेंट, तो आप देख सकते हो, और इसके अभी आप दांत देखो ना कितने ही बड़े बड़े। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है वाइट पीकॉक, तो आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। ये सफ़ेद कलर का मोर होता है। तो ये है चीतल, स्पॉटेड डियर। यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप में सामान्य तौर पर 10 से 20 तक के झुंड में पाया जाता है। हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं हेमेटरस बेबून, तो कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो। ये देखो क्या बात है, पंख देखो यार इनके कितने बड़े बड़े, वाव। कि ये सभी के सभी नीलगाय हैं, और ये पूरा जैसे इनका सेक्शन बना के रखा गया नीलगाय का। और यहाँ की तरफ देखोगे ना कितना छोटा सा यार आपको नीलगाय देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है लोमड़ी, आप देख सकते हो भाई। ओए क्या खा रहा है, हैं? चिकन खा रहा है भाई, चिकन, आज इसकी चिकन पार्टी है। ये है सांभर, ये देखिए, ये देखिए अभी मेरे को घूरता हुआ। हेलो, ओए हेलो, कैसे हो? सो हेलो गाइज, क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। सो गाइज, आज मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में घुमाने के लिए, और यहां पर आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं, सभी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको यहाँ आने के लिए जैसे लोकेशन क्या होगी, पार्किंग चार्जेस क्या होंगे, मेट्रो स्टेशन क्या होगा नियर बाय, सबको डिटेल शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क का ये मेन एंट्री गेट होने वाला है, और यहीं से आपकी जैसे व्हीकल होंगे उनकी पर्ची लेके आपको एंट्री लेनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और कुछ इस तरफ लिखा हुआ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, हिंदी में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहा जाता है। तो यहाँ से आप अपने टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर की पार्किंग पर्ची कटवाइए और सीधा पार्किंग एरिया में जाके अपनी व्हीकल को खड़ा कर दीजिए। जैसे आप मेन एंट्री गेट से एंट्री लेते हो तो सामने ही आपको राइट साइड में नेशनल जूलॉजिकल पार्क कैफेटेरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर आके आप अपना खाना पीना कर सकते हो, और सभी MRP रेट्स पर आपको खाने पीने मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आप साउथ इंडियन खाइए, नॉर्थ इंडियन खाइए, सभी तरीके का आपको यहाँ पर फूड मिल जाएगा। मेन एंट्री गेट से आप एंट्री लेके आते हो तो सबसे पहले आपको कैफेटेरिया देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका टू व्हीलर पार्किंग एरिया होगा, और इस तरफ होगा आपका फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर और बस पार्किंग एरिया। चिड़ियाघर हर शुक्रवार को बंद रहता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है जू रिमेन्स क्लोज ऑन एवरी फ्राइडे। तो आप शुक्रवार के दिन छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हैं हफ्ते के। बात करी जाए नेशनल जूलॉजिकल पार्क के टाइमिंग की, तो आप सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट एंट्री टाइमिंग होगी वो शाम के 4:30 बजे रहने वाली है। बाकी मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क में तो आप मॉर्निंग 8:30 बजे या 9 बजे से लेके 11 से 12 बजे के बीच में एंट्री ले लें नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, बिकॉज ये इतना बड़ा नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर है, कि आपको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप आइए टाइम से और पूरा दिन घूमिए भाई। नेशनल जूलॉजिकल पार्क की आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्टर के थ्रू समझा रखा है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सबसे पहले फोटोज़ में NZPNewDelhi.gov.in साइट पर आप जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल मेन्यू डाउन टू बाय टिकट्स, बाय टिकट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिल करना होगा अपना मोबाइल नंबर और एक कैप्चा, और साथ ही साथ OTP। उसके बाद आप अपनी डेट फिक्स कर सकते हैं कि किस दिन आप विजिट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, उसके बाद सीधा पेमेंट पे करिए, यानी एडल्ट की जो है 80 रुपीज़ आप पे करिए, और सीधा आप अपनी टिकट बुकिंग करिए। अपनी टिकट बुकिंग कराने के बाद अभी हम यहाँ मेन गेट पर आए हैं जहाँ से हमारी एंट्री होनी है। ये कुछ एंट्री गेट नंबर 1 है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। साथ ही साथ अगर यहाँ की तरफ आप नज़र मारे तो यहाँ पर अमानती सामान घर है, यानी क्लॉक रूम है। अगर आपके पास कुछ बैग्स वगैरह है तो यहाँ पर आप अपना जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ बैग जमा कराने के चार्जेस होंगे वो 5 रुपीज़ होंगे, यानी 5 रुपये होंगे, और बैग जमा कराने के बाद यहाँ से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। तो अगर आपके पास भी बैग्स है और आप बैग अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आप अपना बैग चेक करा के अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन आपके बैग में कुछ खाने पीने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर आपको अलाउड करा जाएगा। तो जैसे अभी हमारा बैग चेक हो रहा है, आप देख सकते हो, अभी मैम एक हमारा बैग चेक कर रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ भी खाने पीने वाली सामान ना हो। देख सकते हो यहाँ पर जैसे ये खाने पीने वाले सामान निकाल दिए गए हैं, ये बॉटल्स वगैरह निकाल दिए गए हैं, देख सकते हो। तो अभी हमारे बैग में कुछ नहीं मिला, तो चलो चलते हैं एंट्री लेते हैं। तो भाई अपने बैग में तो कुछ नहीं मिला, अभी हम एंट्री ले चुके हैं फाइनली। यह है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और एंट्री लेते ही आपको देखो यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं,
और ये कुछ व्यू है भाई एंट्री लेते ही। चेकिंग कराते ही जैसे आप एंट्री लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ से कुछ आप स्टेट्स नीचे की तरफ उतरेंगे तो आपका एंट्री हो जाएगा फाइनली नेशनल जूलॉजिकल पार्क का। अभी कुछ ये स्कूल के बच्चे आ रखे हैं जो कि थक चुके हैं और बैठे हुए हैं, और चलो चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं पूरा नेशनल जूलॉजिकल पार्क। फाइनली अभी हम एंट्री ले चुके हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, और लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही वेलकम हैव अ नाइस डे। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं। आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि चार्जेबल होगा, और यहाँ पे चार्जेस कुछ लिखे हुए हैं आप जैसे देख सकते हो। एडल्ट के जो चार्जेस रहेंगे वो 77 रुपीज़, और अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं जो कि 5 साल से 12 साल तक के हैं उनके 44 रुपीज़, और जो बच्चे 5 साल से नीचे के हैं उनके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुछ जैसे स्कूल ग्रुप आ रहे हैं ये कुछ उनके चार्जेस जैसे देख सकते हो आप। ये बिल्कुल वीडियो को पॉज करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल वाले काउंटर से अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पर ये कुछ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन से जानवर हमें किस साइड देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो शेर, पूछ बंदर, बबून, टोपीदार बंदर, पाड़ा हिरण, सांबर हिरण, कुछ इस तरफ हमको देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं इस तरफ और आपको सारे जानवर दिखाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं नील गाय। तो यहाँ पर आप नील गाय देख सकते हो ये कुछ दो फोटोज़ में, और साथ ही साथ यहाँ पर ये डिटेल्स लिखी हुई हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। बाकी ये कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं आप पढ़ सकते हैं। और बाकी बात करी जाए नील गाय तो कुछ सामने ही आपको नील गाय देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नील गाय कुछ इस तरीके की नील गाय होती हैं, और यहाँ पर देखो कितनी सारी नील गाय हैं। और यहाँ की तरफ अगर नज़र मारें ना तो यहाँ पर पूरा ग्रुप है नील गाय का, ये देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और ये देखिए सबसे पास में बिल्कुल ये अलग कलर में है थोड़े से। बाकी ये सभी के सभी नील गाय हैं, और ये पूरा जैसे इनका सेक्शन बना के रखा गया नील गाय का। और यहाँ की तरफ देखोगे ना कितना छोटा सा यार आपको नील गाय देखने को मिलता है, ये देखिए वाह यार छोटा सा है अभी। बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं ये देखिए तभी हम आपको दिखाने वाले हैं गुलाबी हवासील। तो यहाँ पर आप ये पक्षी देख सकते हो कुछ इस तरीके का, ये गुलाबी हवासील नाम से यानी रोजी पैलिसिन नाम से ये पक्षी होता है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ये फैक्ट्स हैं तो आप ये फैक्ट्स भी पढ़ सकते हो, और जो ये पक्षी हैं कुछ सामने की तरफ है और चलो आपको दिखाते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये देखो ओए होए किस तरीके से यार अपनी उड़ान भरता हुआ वाह। और ये जो पक्षी आप देख रहे हो ना ये देखो कितने क्यूट लग रहे भाई। जैसे हमारे दिल्ली में ठंड पड़ती है तो यहाँ की तरफ आ जाते हैं, वैसे ये विदेशी पक्षी हैं सारे। यहाँ से उड़ता हुआ ये देखो क्या बात है। यहाँ पर देखो कितने सारे बैठे हुए हैं एक साथ, ये देखो पंख देखो यार इनके कितने बड़े बड़े वाव। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आपको एक ये मैप भी देखने को मिलेगा, और आप इस मैप के थ्रू आसानी से अपनी लोकेशन पर जा सकते हो। जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, कैंटीन, पब्लिक कन्वीनियंस, वाटर पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एजुकेशन सेंटर, ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये मैप के थ्रू आपको बता रहा है, तो आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हो। तभी हम आपको दिखाने वाले हैं हेमिड्रस बेबून। तो इंग्लिश में भी हेमिड्रस बबून ही कहा जाता है इनको, और कुछ इस तरीके के होते हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हिंदी एंड इंग्लिश में। प्राचीन मिस्र के निवासी हेमिड्रस बेबून को अति पवित्र मानते थे। बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये कुछ पॉइंट्स हैं यानी फैक्ट्स हैं। और आपको जो बेबून है कुछ इस तरफ देखने को मिलेगा, ये देखिए ये कुछ इस तरफ बैठा हुआ, तो कुछ उस साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं हेमिड्रस बेबून, तो कुछ इस तरीके का होता है आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल अपने घर में घुसता हुआ ये देखो ये गायब हो गया, ये देखो फिर से दिखता हुआ, ये देखो कुछ इस तरीके का होता है भाई ये हेमिड्रस बबून, ये देखो। और ये फाइनली अपने घर में घुस गया भाई। आपको नेक्स्ट जो हम दिखाने वाले हैं वो है बॉनेट बंदर यानी बॉनेट मकाऊ। तो ये कुछ इस तरीके का होता है जो कि आपको आसपास देखने को मिल ही जाएगा वैसे ये बंदर। और बाकी यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, और ये कुछ बॉनेट मकाऊ के फैक्ट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो। और बाकी बॉनेट मकाऊ कुछ उस तरफ, ये देखो ये जैसे जाता हुआ, तो पास से दिखाते हैं रुकिए आपको। अभी हम आपको जूम करके दिखाने वाले हैं ये बॉनेट मकाऊ। तो ये देखो एक तो अंदर चला गया और दूसरा कुछ इस तरफ बैठा हुआ, ये देखिए ये रहा ये कुछ खाता हुआ। तो ये कुछ बॉनेट मकाऊ है, और बाकी ये जो लोकेशन आप देख रहे हो और ये बॉनेट मकाऊ यहीं पर रहता है, और बाकी इसके चारों तरफ ना ये बाउंड्री बना रखी है पानी की कि ये कुछ हमारी तरफ हमला ना कर सके। ये देखो फिर से ये बॉनेट मकाऊ बाहर की तरफ आता हुआ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पाड़ा हिरण यानी हॉग डियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये पाड़ा हिरण होता है,
ये देखिए, और यहाँ पर ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ये पाड़ा हिरण के बारे में। और ये कुछ फैक्ट्स होंगे, देख सकते हो ये हॉग डियर फैक्ट्स। तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ सामने ही आपको ये हॉग डियर देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो ये हॉग डियर यानी पाड़ा जिसको हिंदी में बोला जाता है। और यहाँ पर अभी ये आराम करते हुए, ये यार कुछ नेट लगी हुई है ना जिसकी वजह से हम प्रॉपर नहीं देख पा रहे। और लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना ये कॉर्नर में कितना छोटा सा है, ये देखो कितना छोटा सा है यार अभी ये डियर। ओहे वाह यार। और कुछ उस तरफ भी आप देख सकते हो कितने सारे आपको हॉग डियर देखने को मिलेंगे। इनको हिंदी में वैसे पाड़ा कहा जाता है, ये देखिए। नेशनल जूलॉजिकल पार्क की सबसे बेस्ट बात ये लगी मेरे को, यहाँ पर आप अपना पानी भी पी सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस के बिना। देख सकते हो ये ड्रिंकिंग वाटर बना रखा है, तो यहाँ पर आप अपना पानी वगैरह पी सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी चिड़ियाघर के ऊपर एक वीडियो बना रखी है और वहाँ पर मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि सर यहाँ अपना DSLR कैमरा अलाउड है लेके आना, तो जी आप लेके आ सकते हो DSLR कैमरा भी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है कोई चार्जेस के बिना, आपके कोई अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी DSLR के रिलेटेड। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं सांभर, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो इसके फैक्ट्स वगैरह हैं वो आगे एक पोस्टर लगा के रखा गया है, वहां पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सांबर होता है, यहां पर ये कुछ बैठे हुए हैं दो सांबर, ये देखिए कुछ इस तरीके का ये सांबर होता है। ये भी एक ये हिरण की प्रजाति है, लेकिन इनका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये हैं। और यहां पर आप देख सकते हो एक, ये देख सकते हो ये अभी छांव में बैठे हुए हैं। और ये है सांबर, ये देखिए, ये देखिए अभी मेरे को घूरता हुआ। हेलो, ओए हेलो, कैसे हो? वाह यार। और यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया भाई, ये है सांभर। सो उस तरफ से अभी हम आपको सांभर हिरण दिखा रहे थे और यहाँ पर जैसे आप पढ़ सकते हो अब इन्फॉर्मेशन सांभर हिरण के रिलेटेड, यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है एंड ये इंग्लिश में। तो ये कुछ सांभर हिरण इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए। और ये कुछ सांभर हिरण के फैक्ट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पोस्टर पढ़ सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कृष्णमर्ग, जिनको ब्लैक बक कहा जाता है इंग्लिश में। तो कुछ इस तरीके के होते हैं ये ब्लैक बक, आप देख सकते हैं। और बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप पढ़ सकते हो कम्फर्टेबल जो भी लैंग्वेज में होते हो। बाकी ये कुछ फैक्ट्स होने वाले हैं और फैक्ट्स में यार मैंने ना एक चीज़ पढ़ी, ये देखो टॉप स्पीड इनकी 69 किलो पर आवर के हिसाब से ये दौड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो यार ये कुछ जो ब्लैक बक हैं कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको पास से दिखाते हैं एक बार, रुकी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ब्लैक बक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल भागते हुए और ये बिल्कुल ग्रुप में है, आप देख सकते हो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर एक ये सिंगल देखिए, ये देखिए भाई। तो अभी जैसे हर न्यूज़ चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जैसे आ रखा है, तो ये वही ब्लैक बक है जिनकी बिश्नोई समाज जो है पूजा करता है। तो ये देखिए भाई कितने खूबसूरत है यार, और इनके सिंग देखो आप, वाह बहुत ही प्यारे, ये देखो कितने सारे हैं, वाओ। तो इनको इंग्लिश में ब्लैक बक कहा जाता है और हिंदी में कृष्णमर्ग। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं गोर, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का गोर होता है और इनके सींग देख सकते हो कितने ही बड़े हैं। और इनके पैर देखोगे ना आप ये चारों, तो इनके नीचे की तरफ से ना वाइट वाइट पैर होते हैं, जैसे इस तरीके से लगता है कि भाई पूरे मोजे टाइप पहन रखे हैं यानी जुराब पहन रखी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप पढ़ सकते हो। ये कुछ गौर के फैक्ट्स रहने वाले हैं और बाकी इनकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो 16 किलोमीटर पर आवर। तो गौर जो है कुछ इस तरीके का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दो गौर गाय देखने को मिल जाएंगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय होती है जैसे, तो कितनी ही प्यारी लग रही है भाई, ये देखिए। तो अभी हम आपको लेके आए हैं ताड़ बिलाव दिखाने के लिए, जिसको कॉमन पाम सीवेट भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है ये, और बाकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं। और अभी हम आपको दिखाएं कि ये किस तरीके का होता है। तो ये देखिए ये अभी ऊपर की तरफ आराम करते हुए, ये देखिए वाह अभी सो रहे हैं अभी। तो बाकी आप इनके फैक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जंगली बिल्लियाँ यानी जंगल कैट, वैसे जंगली बिल्लियाँ जो लिखी है ना भाई, एक ही बिल्ली है यहाँ पर जो कि आपको यहाँ की तरफ देखने को मिल जाएगी। ये देखिए अभी आराम करते हुए, ये कुछ इस तरीके की ये जंगली बिल्ली है, कितनी ही डेंजर लग रही है यार, ये देखिए वाह। तो वैसे ये सिंगल बिल्ली है लेकिन बिल्लियाँ लिखा हुआ है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं लोमड़ी, लेकिन ये प्रिंट बिल्कुल मिट चुका है और लोमड़ी कुछ इस तरफ बैठा हुआ, अभी ये बिल्कुल अंदर की तरफ जा चुका है।
अभी दिखाते हैं जैसे बाहर आता है। ये देखिए कुछ बाहर की तरफ आता हुआ, ये देखिए। तो ये है लोमड़ी, ऊपर भी बैठा हुआ है, बाकी एक ऊपर की तरफ बैठा हुआ जैसे यहाँ पर आराम करता हुआ, ये देखिए। तो ये है लोमड़ी, आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए कुछ तो खा रहा है, ये कुछ तो मिल गया भाई खाने को इसको। ये देखो कितना डेंजर लगता है भाई, ये देखो भाई लोमड़ी वो। तो ये है लोमड़ी, आप देख सकते हो भाई। ओए क्या खा रहा है, हैं चिकन खा रहा है भाई, चिकन। आज इसकी चिकन पार्टी है, विनर विनर चिकन डिनर। भाग गया। अब हम आपको दिखाने वाले हैं चीतल, जिसको इंग्लिश में स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है, कुछ इस तरीके का होता है। बाकी आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। और ये कुछ स्पॉटेड डियर के फैक्ट्स हैं। और बाकी अब बात करी जाए किस तरीके के होते हैं ये चीतल, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये है चीतल स्पॉटेड डियर, यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप में सामान्य तौर पर 10 से 20 तक के झुंड में पाया जाता है। और बात करी जाए इसके टॉप स्पीड की, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जैसे 70 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी जो दौड़ने की क्षमता है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है भाई। ये देखिए अब बिल्कुल पास आ रखा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई ये, वाह। वो देखो देखो पक्षी को भगाता है, उसकी पीठ पे बैठा हुआ है भाई कौवा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ब्रू सिंगरी हिरण, तो कुछ इस तरीके के होते हैं ये, और आप ये पढ़ सकते हो भाई ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाले हैं। और अगर बात करी जाए इनकी टॉप स्पीड की, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ते हैं। बाकी कुछ इस तरीके के होते हैं ये ब्रू सिंगरी हिरण, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। ये भी ये सिंगल घूम रहा है अकेला आपस में। और बाकी बात करी जाए भाई कितने सारे यहाँ पर, वो देखिए पूरा ही ग्रुप वहाँ पर है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा दूर बैठे हुए हैं ये। बाकी ये देखो बिल्कुल पास से, वाह यार कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। ओए होए ओए होए, आ जा आ जा आ जा, ओए बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं नीला पीला मकाओ, तो कुछ इस तरीके का ये मकाओ होता है, ब्लू एंड येलो मकाओ। बाकी ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, और ये कुछ फैक्ट्स हैं। और बात करी जाए किस तरीके के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, और इनके यार आप ये वॉइस सुन सकते हो, ये देखो कितना शोर मचाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो ये बैठा हुआ, ब्लू एंड येलो मकाओ। और इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ ये नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई ये। और इधर देखिए, और एक जो यहाँ पर बैठा ना भाई, ये ज़्यादा शोर मचा रहा है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं, वाह इसकी यार चोंच देखोगे ना आप कितनी प्यारी लगती है, और पूंछ देखो इसकी कितनी ही लंबी पूंछ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको नीला पीला मकाओ यानी ब्लू एंड येलो मकाओ, ये देखो इधर भी देखो ये कुछ खाते हुए, अभी भोजन टाइम चल रहा है भाई इनका। इधर से देखिए, बाकी यार जो इनकी साउंड है ना बहुत ज़्यादा, ये देखो सो गाइस नेक्स्ट आपको मिलिट्री मकाओ देखने को मिलता है, जिसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मिलिट्री मकाओ कहा जाता है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। और बाकी बात की जाए किस तरीके का होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ खाना खाता हुआ, ये देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये है मिलिट्री मकाओ, यहाँ पर अभी ये सिंगल है और अभी कुछ खाना पीना करता हुआ अपना। अब रहने वाला है लाल हरा मकाओ, तो यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये इस तरीके का ये मकाओ रहता है, रेड एंड ग्रीन मकाओ, ये देखिए। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया है वो ब्लू एंड येलो था, और ये जो है वो लाल और हरा है, ये देखिए। अभी अब मुंह इधर करके बैठा हुआ है, बाकी एक ना उस तरफ बैठा हुआ, ये देखो क्या बात है। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं इलीगर्स मकाओ, और ये कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो।
बाकी इनके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ ये कुछ फैक्ट्स हैं और आपको बताएं कि ये किस तरीके का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये बैठा हुआ एलिगर मकाऊ, ये देखिए वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, अभी बैठ के आराम कर रहा है। ये देखो मूवमेंट करी भाई, ये बहुत ही प्यारा भाई। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक्ले कट्स तोता, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर देखो ये पंख फैलाता हुआ बहुत ही बढ़िया, और एक यहाँ पर बैठा है, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको एलिगर्स मकाऊ भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो ये दो बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड है एलिगर्स मकाऊ और राइट साइड है एक्ले कट्स तोता। ये देखो उड़ के कुछ इस तरफ गया ना, तो यहाँ पर अभी दो आपको देखने को मिल जाएंगे एक्ले कट्स तोता। नेक्स्ट रहेंगे आपके बेयर आइड कॉकेटू, तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं। और अभी आपको दिखाएं किस तरीके का होता है, ये देखो ये आराम करता हुआ बेयर आइड कॉकेटू सो रहे हैं भाई अभी, बाकी कुछ इस तरीके का इनका घर है देख सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप वीडियो को पॉज करके पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा अफ्रीकी धूसर तोता यानी अफ्रीकन ग्रे पैरेट, तो इनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं आप, और ये कुछ फैक्ट्स हैं। और बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये देखो अभी खुजली करता हुआ भाई अफ्रीकी धूसर तोता। अब हम आपको दिखाने वाले हैं गोल्डन फेजेंट, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है यार ये गोल्डन कलर इसके ऊपर, और ये आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ये गोल्डन फेजेंट, ये देखिए ऊपर ऊपर की तरफ से ना गोल्डन कलर का कुछ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई ये देखिए। सो गाइज़ अब हम आपको दिखाने वाले हैं सिल्वर फेजेंट, इससे पहले जो हमने आपको दिखाया वो है गोल्डन फेजेंट, तो कुछ इस तरीके का होता है ये सिल्वर फेजेंट। बाकी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी, और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं। बाकी कुछ इस तरीके का होता है भाई ये आपका सिल्वर फेजेंट, ये देखिए और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ये देखो, तो ये भी सिल्वर फेजेंट है, कितना प्यारा लग रहा है भाई वाह। और ये एक आता हुआ अपनी तरफ, ये देखिए आ जा भाई, और चला ही गया यार, नाराज है क्या भाई मेरे से, आ जा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पीकॉक यानी इंडियन पीफॉल भारतीय मोर, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो ये सामने ही है, ये देखिए ये देखिए ये रहा भाई, कितना है यार पास से देखो, ओ वाओ मैं इतना पास से पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, और जो यार इसके ऊपर कितना ही यार मतलब डिटेल्स के साथ यार ये इन्फॉर्मेशन, ये देखो अभी ये ना ये नेट के कारण आपको देख नहीं मतलब दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरफ भी आपको एक ये इंडियन पीकॉक देखने को मिल जाएगा, ये देखिए वाओ। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये पैरट्स, तो आप देख सकते हो जो कि आपको आमतौर पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं हर जगह, ये देखिए कुछ इस तरीके से एंजॉय करते हुए, ये देखो ऊपर से, और ये देखो ये क्या लेके आया भाई, ये क्या खा रहा है, ओए मूंगफली खा रहा है भाई, हेलो हेलो क्या खा रहे हो मिठू। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है वाइट पीकॉक, तो आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है भाई, ये सफ़ेद कलर का मोर होता है, ये देखिए इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, नॉर्मल सा वाइट कलर है, और बाकी इसके सर के ऊपर आप देख सकते हो ताज, कितना ही प्यारा लग रहा है भाई, ये है वाइट पीकॉक। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं पंकिल मगर यानी मार्स क्रोकोडाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है, और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन बाकी मिल जाएगी पंकिन मगर के रिलेटेड, और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहने वाले हैं आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको दिखाएं तो भाई ये देखो अब ये पानी में तैरता हुआ, तो ये है आपका पंकिन मगर, कितना डेंजर लग रहा है भाई अब ये पानी में तैर रहा है, और कितना ही बड़ा है भाई, ओए होए।
सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस। तो आप ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। और बाकी ये देखिए कुछ इस तरीके का ये होता है दरियाई घोड़ा। ये देखो भाई कितना ही बड़ा है। एक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और एक यहाँ पर, ये देखो ओए होए मुँह देखो कितना बड़ा खोलता भाई ये, ओ माई गॉड। और ये बिल्कुल बाहर जाता हुआ, ये अभी पानी में भाई फुल इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ओ भाई साहब कितना ही बड़ा है यार। ये देखो दोनों ही बाहर जा रहे भाई अब तो। ये देखो क्या बात है भाई, अभी जैसे ही बाहर जा रहे हैं भाई, वो जो साथ में मोर हैं बंदर वो सभी के सभी भाग रहे हैं। ये देखो ओए होए कितना ही बड़ा है भाई। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं श्वेत मर्ग यानी वाइट बर्ग। तो कुछ इस तरीके का होता है और ये इन्फॉर्मेशन रहेगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये कुछ फैक्ट्स रहेंगे और इनकी जो टॉप स्पीड है वो 69 किलोमीटर पर आवर है। बाकी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये वाइट बर्ग, ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई वाइट बर्ग, ये देखिए। सो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन एलिफेंट यानी भारतीय हाथी। तो कुछ इस तरीके का होता है और आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो इंडियन एलिफेंट के रिलेटेड, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं। सो गाइज ये है इंडियन एलिफेंट, तो आप देख सकते हो और इसके अभी आप दांत देखो ना कितने ही बड़े बड़े हैं। और अभी अपना खाना पीना कर रहा है भाई, शाम का समय जैसे हो चुका है और अभी अपने घर में घुसा हुआ है। यहाँ पर आपको एक ही एलिफेंट देखने को मिलेगा अभी तो, बाकी इसका साइज़ देखोगे हाइट देखोगे कितना ही बड़ा है भाई। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं एशियाई सिंह यानी एशियाटिक लॉयन। तो कुछ इस तरीके का होता है, आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये कुछ फैक्ट्स रहेंगे एशियाटिक लॉयन के। और ये देखिए कुछ उस तरफ होगा, ये देखिए और वो रहा भाई। ये देखो अभी आपको जूम करके दिखा रहे हम। और ये देखो अभी ये घूमता हुआ भाई, पता नहीं किसका वेट कर रहा है भाई। ये देखो अभी फिर से दिखेगा। ये देखो भाई कितने ख़तरनाक फेस है भाई इसका, एशियाटिक लॉयन का, किसी चीज़ का वेट कर रहा है यार। शायद इसके जाने का समय हो चुका है और अभी वो गेट नहीं खोल रहे। और ये देखो गेट ओपन हो चुका है आई थिंक, और वो गया। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं सफ़ेद बाघ यानी वाइट टाइगर। तो कुछ इस तरीके का होता है और आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेंगे वाइट टाइगर के रिलेटेड। और अभी आपको ना यहाँ की तरफ देखने को मिलेगा, ये देखो थोड़ा दूर जाते हैं अभी आएगा भाई वो हो रहा। तो देख सकते हो ये है वाइट टाइगर, ओए होए अभी ऐसे टहल रहा है भाई। ये देखिए अभी हमें तो भाई ये चिड़ियाघर में कितना मासूम सा दिख रहा है, लेकिन यार ये इतना तेज़ होता है। ओहो ये देखो बहुत ही बढ़िया भाई। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। तो ये हिंदी में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये कुछ ऑस्ट्रिच के फैक्ट्स रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रिच वहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं यार, वो देखो दो ऑस्ट्रिच हैं, एक ये रहा जो आप देख पा रहे हो और एक वो देखो साथ में ही है। वाह कितने बड़े बड़े भाई। सो जी दोस्तों फाइनली अभी हमने चिड़ियाघर को एक्सप्लोर कर लिया है और बहुत सारे जानवर भी अभी हमने देखे, पक्षी भी देखे, तो बहुत ही मज़ेदार पार्क था ये। और अभी चलो हम एग्जिट कर लेते हैं और आपसे बाहर जाके मिलते हैं। अभी हम इस रास्ते से आए हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर ना आप सभी के लिए ये बना रखा है, यह है नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। और इसी के बिल्कुल बैक साइड में ना आपके लिए जैसे ये फाउंटेन्स वगैरह, ये देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप ये फाउंटेन्स वगैरह मतलब चालू कर रखा है आपके लिए। और यहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं, कितना प्यार लग रहा है भाई फाउंटेन इस समय। तो गाइस जैसा कि आज के दिन हमने चिड़ियाघर को पूरा एक्सप्लोर कर लिया और अभी हम आ रखे हैं एग्जिट गेट पर और अभी हम एग्जिट लेने वाले हैं। बाकी यार आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।